कुरुक्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीरवार 2 मई को आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता अपना नामांकन भरेंगे। गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए इस संघर्ष में उनका सहयोग करें। ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कल हरियाणा में आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 4 गारंटियों को लागू किया जाएगा, जिनमें देश भर में 200 मुफ्त बिजली, युवाओं को 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसल का समर्थन मूल्य देना शामिल है। बहरहाल, नामांकन भरने से पहले जनता से अपील करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई और कुरुक्षेत्र की आवाज संसद में उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुना है। इस लड़ाई में सभी के सहयोग की जरूरत है, इसलिए इस नामांकन रैली में सभी शामिल हों। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के बजाय तानाशाही के दम पर देश को चलाने की बात कर रही है। भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो फिर ये देश में चुनाव नहीं होने देगी। पुरखों की शहादत से मिली आज़ादी और संविधान को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। तानाशाही के खिलाफ हम आज़ादी को अंजाम देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं संसद में खड़े होकर कुरुक्षेत्र की आवाज़ उठाऊं। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार का नामांकन 2 मई को भरने जा रहा हूं। मेरी आप सब से प्रार्थना है बड़े से बड़ी संख्या के अंदर इसमें शामिल हो। 2 मई को 12 बजे LIC सेक्टर 37 कुरुक्षेत्र से हम चलेंगे और DC ऑफिस तक जाएंगे। जय हिंद साथियों। बता दें कि सुशील गुप्ता ने भी जगह जगह जाकर लोगों को स्थानीय मुद्दों पर संसद में उठाकर पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिनमें कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करना और रिंग रोड का निर्माण करना शामिल है। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना और शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों, शौचालयों, पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनवाना भी उनके मुख्य मुद्दों में शामिल है। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।